नमस्कार दर्शकों, आप लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि इलेक्शंस का दौर चल रहा है और सभी पार्टीज के कैंडिडेट जो हैं अपने नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। कल नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी फाइल करने की और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वे NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं नीरज कुंदन जी, जिनसे हम बात करेंगे इन इलेक्शंस के ऊपर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सर। सर, आज जम्मू में आपका पहला दौरा था और NSUI के युवाओं द्वारा बड़े ही जोशों से आपका स्वागत किया गया और इलेक्शंस का जो अभी समय चल रहा है और किस तरह से जो है NSUI की क्या रणनीति चल रही है इलेक्शंस को लेकर। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बारी आज मैं जम्मू में आया। जम्मू में युवाओं का उत्साह देखकर मेरा भी उत्साह जो है उससे भी ज़्यादा बढ़ा। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं क्या रणनीति रहेगी, रणनीति NSUI की यही रहेगी कि युवाओं के बीच में जाकर, और जो युवा जो है वो ऑलरेडी जो है वो इस मोदी सरकार से, भाजपा की जो सरकार है उससे खफा है, क्योंकि इन्होंने पावर में आने से पहले आज से पाँच साल पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 2.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम करने का वादा किया था, बहुत ऐसे लुभावने वादे किए थे, लेकिन इन सभी मुद्दों पर जो ये सरकार है वो विफल रही है। और इन विफलता के कारण ये आपके सामने देखेंगे युवाओं के बीच में कुछ और मुद्दे डालने की कोशिश करते हैं। कभी ये टिप्पू सुल्तान को ले आते हैं किसी इलेक्शन में आप देखेंगे कि ये आपने देखा होगा कि ये जिन्ना को ले आएंगे, और कभी आप देखेंगे कि ये किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे, किसी शहर का नाम बदलेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ, मैं वो पहला शख्स होऊंगा अगर इस देश में किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो मैं चाहूँगा कि इस देश में हर एक स्टेशन का नाम बदल दीजिए, आप हर एक विधानसभा का नाम बदल दीजिए, हर एक ज़िले का नाम बदल दीजिए। पर बड़ी बदकिस्मती की बात है, इन मुद्दों से कभी रोज़गार नहीं मिलता है। रोज़गार लाने के लिए उनको नीतियाँ लानी पड़ती है, लेकिन मोदी जी की एक मजबूरी है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकते बेचारे। उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें इस देश में 15 सबसे अमीर लोग हैं उनको खुश रखना है, और उसके कारण उनको उन 15 जो सबसे अमीर लोग हैं, आपने देखा होगा उनका वो लोन माफ़ करते हैं, उनका लोन वेव ऑफ करते हैं। लेकिन इस देश में युवा भी हैं, इस देश में छात्र भी हैं, उनका भी लोन है, इस देश में किसान हैं, उनका भी लोन है। लेकिन यहाँ पे हम आपकी ये एक बात हम आपकी ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह 75,000 रुपये का जो है सालाना रुपये जो है गरीबों को देंगे, गरीबों की फैमिलीज को दिया जाएगा और साथ ही साथ किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसे आप कितना सही कितना समझते हैं कि क्या सच में ये चीज़ पे जो है इस पे अमल किया जाएगा? देखिए, मैं कांग्रेस CWC की मीटिंग थी जो ये कल ही हुई है और इसी में राहुल जी ने ये निर्णय लिया, मैं उस मीटिंग में शामिल था। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये गरीबों के लिए स्कीम है। आप उस गरीब का सोचिए जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, और आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ऐसी स्कीम्स लेके पहले भी लेकर आई, वो चाहे नरेगा हो, वो चाहे राइट टू फूड हो, वो चाहे RTE ही हो, और वो चाहे RTI हो। और अब ये एक ऐतिहासिक फैसला जो राहुल जी लेके आए हैं ये बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप इतिहास देखिए हमारा। इससे पहले हमने जो 3 प्रदेशों में चुनाव हुए वहाँ पर बोला था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार आएगी हम किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे, कहीं जगह पे तो हमने 1 दिन में कर दिया और कहीं जगह पे हमने 10 दिन में कर दिया। राजस्थान में हमने कहा था कि बेरोज़गारी भत्ता देंगे, हमने वहाँ पे बेरोज़गारी भत्ता वहाँ पे दे दिया। 3,000 रुपये वहाँ पे हर एक लड़के को मिल रहा है और 3,500 रुपया हर एक लड़की को मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी वही चीज़ बोलती है जो चीज़ वो कर सकती है, वो इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करती है। और ये जुमलाबाजी करके इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी बाद में बोल देते हैं वो तो जुमलाबाजी थी, वो तो कहीं से भी हमारी कमिटमेंट नहीं थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये बोला है वो करेगी। और इसके अलावा भी जो हमारे मैनिफेस्टो में आप आने वाले टाइम में देखेंगे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट है वो जो GDP का है वो एजुकेशन सेक्टर पर हम लगाएंगे। जो आपने देखेंगे कि जो इस वर्तमान में जो सरकार है उसने एजुकेशन का भी जो फंड्स हैं वो बिल्कुल कटौती की है उसकी। सर, जिस तरह से NC के साथ मिलकर कांग्रेस ने एकजुट होकर जो है चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और दूसरी तरफ PDP का भी यही कहना है कि वे कांग्रेस के खिलाफ कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तो इससे कितना बड़ा कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचने वाला है क्या लगता है?
देखिए, कांग्रेस को जो फायदा तो पहुंचेगा, कांग्रेस को जो फायदा पहुंचेगा वो कांग्रेस को पहुंचेगा जो बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी के खिलाफ जो युवाओं का रोष है और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं। और इस देश का जो युवा है वो काफ़ी समझदार युवा है, उसे पता है कि कौन सी पार्टी है जो रोज़गार देगी और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा। जी सर, और जैसे कि अगर बात करें कांग्रेस के नए चेहरे जो अभी उतारे हैं, चुनाव में उतारे गए हैं, रमन भल्ला जैसे एक दिग्गज नेता, जैसे बात करें रमन भल्ला हो गए और साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह को भी चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है, तो क्या लगता है कि मतलब कितना एक बड़ा एक वो रहेगा कांग्रेस की तरफ, जो एक झुकाव रहेगा लोगों का, जो वोटर जो वोट बैंक है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाएंगे इन बड़े दिग्गज नेता के साथ जुड़ने से? बिल्कुल, आप देखेंगे कि रमन भल्ला जी जो हैं वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं और जब वो जम्मू में थे और जब वो जम्मू में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो जम्मू की आवाज़ किस तरीके से बुलंद रखते थे, लोगों ने उनका काम देखा है। और मैं और विक्रमादित्य जी भी जो हैं वो MLC छोड़कर आए हैं, मतलब वहाँ से इस पार्टी में आए हैं और उनके फादर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ना केवल कांग्रेस पार्टी पे बल्कि इस रियासत में और इस देश के लिए। तो मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तो हमारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं और दूसरा एंटी यूथ जो माहौल है पूरे देश भर में और एंटी गरीब भी और किसान भी अगर आप इसमें बीच में जोड़े तो कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में सरकार में आएगी और कांग्रेस पार्टी को फिर से मौका मिलेगा इस देश में युवाओं की आवाज़ बनने के लिए। सर, जिस तरह से 28 को जो अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है अखनूर में, और ये भी कहा जा रहा है कि श्यामलाल शर्मा जी जो है इस रैली में ज्वाइन करेंगे बीजेपी को, तो सर इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ, ये जब तक कोई ज्वाइन नहीं करे मैं कैसे इस चीज़ की पुष्टि कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी खुद अभी तक कहीं से बोला नहीं है और मीडिया में कई बार या सोशल मीडिया में आज की डेट में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। इस चीज़ का मैं एग्जैक्ट आंसर तभी दे पाऊँगा जब अगर कहीं ऐसा होता है तो। तो सर, आने वाले समय की अगर बात करें, जिस तरह से अभी जो है एक बैटल काइंड ऑफ चल रही है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो सर क्या लगता है कि अगर देश के लिए पर्टिकुलर अगर हम बात करें, कोई वर्सेस कुछ ऐसा राइवलरीज का नहीं देखा जाए, देश के विकास को अगर देखा जाए, तो कौन सी पार्टी को है जो आपको लगता है कि एक देश की जो स्थिति इस वक्त बनी है उसकी सुधार ला सकती है, वो कौन सी पार्टी है? मैं आपको यही बात कहने लगा था कि ये लड़ाई राहुल जी की और नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, ये लड़ाई है गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों के लिए और अमीरों की लड़ाई लड़ने वालों के, या आप बोल सकते जो अमीरों के चौकीदार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया है कि पिछले 5 साल में वो अमीरों के चौकीदार बने, गरीबों के चौकीदार वो नहीं बने। आपके सामने जैसे मैंने स्पष्ट करके बता दिया, उन्होंने 15 सबसे अमीर लोगों का लोन माफ़ किया, इसके अलावा ऑन रिकॉर्ड गरीबों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि और जो इसके विपरीत अगर आप देखेंगे राहुल जी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो जहाँ जहाँ पे हमारी सरकारें हमने किया, हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया, हमने अमीरों का वहाँ पे नहीं किया, हमने वहाँ पे युवाओं के लिए बेरोज़गारी भत्ता दिया। और ये चीज़ को कई बार एक्सप्लॉइट भी करती है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा भी करने जा रही है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करती है कि ये इससे देश ख़राब हो जाएगा, इससे आप आदतें ख़राब कर दोगे। अरे, उनकी आदतें आप ठीक कर रहे हो जिनके 15 सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ़ करके वो आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अगर इस देश में 15 सबसे अमीर लोगों का अगर कर्ज माफ़ किया जाए, सर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो देश जो है विकास की तरफ बढ़ा भी है, देश में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं, कितनी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं स्पेशली युवा के लिए, तो सर उसके लिए अगर युवा वर्ग एक कहते हैं कि मोदी लहर हर तरफ मोदी लहर है। सबसे पहले तो एक किसी स्कीम का मुझे नाम बताइए जिससे डायरेक्ट युवाओं को फायदा हुआ। दूसरा, ये इन्हीं की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, कि अभी वर्तमान में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है, ये इनकी रिपोर्ट है, GDP कम हुई है, ये इनकी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है। स्कीम्स इस तरीके से होती हैं जिसका डायरेक्ट फायदा होता है, जिसको दिखता है, जैसे UP 2 में था, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल PMMS स्कीम थी, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप, ऐसा कोई एक स्कीम का नाम मुझे बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सी स्कीम है जिससे युवाओं को फायदा हुआ, कौन सा रोज़गार मिला, रोज़गार तो ऑन रिकॉर्ड तो कम हुआ है।
तो सर जिस तरह से एक तरफ तो आप नरेंद्र मोदी के ये इस तरह से मैं बात नहीं कर रहा हूं, रहे हैं, मैंने, लेकिन मैंने, अगर आप मुझे बता दीजिए, मैंने तो आपसे प्रश्न पूछ लिया। स्कीम्स के लिए, स्कीम्स को छोड़कर अगर अलावा अगर हम देश की अगर बात करें तो कहीं ज्यादा सर कितना विकास हुआ है, कितना ज्यादा सर अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कितना विकास किया गया है। आप ये मेरी बात सुनिए, इस देश को बनने में 60 से 70 साल लगे हैं। अगर आप इस देश में देखेंगे एम्स, आईआईटी, एयरपोर्ट्स देखेंगे, अगर आप इस देश की मिलिट्री देखेंगे कि जो देश किस विश्व में जो मिलिट्री है उसका लोहा बुना जाता है, वो सबसे मजबूत में थे। वो एक दिन में तो नहीं हुआ, उसको टाइम लगा, तो वो किसने किया? ये खुद ही बोलते हैं ना 60 साल में कांग्रेस रही है, तो वो किसका योगदान रहा? और रही बात जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं, मुझे लगता है इन 4 सालों में सबसे अच्छे तरीके से अगर ये कोई काम कर सके हैं तो वो है नफरत की राजनीति। नफरत का जो बीज है वो ये ज़रूर अच्छे तरीके से बोने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कहीं के आपने हेल्थ सेक्टर में बात की, यहाँ पे जम्मू की बात करिए आप, जम्मू में मुझे बताइए, आप मीडिया से आते हैं, एम्स कैसे मिला हमें? पहले तो अभी वो भी क्लियर नहीं है कहाँ मिला या नहीं मिला। ढाई महीने क्या उसके लिए एजिटेशन लड़नी पड़ी थी जम्मू को या नहीं लड़नी पड़ी? पड़ी थी ना, तो वो बीजेपी ने कुछ दिया तो नहीं ना, खुद ऐसे प्लेट में डाल के तो नहीं दिया। और वो भी अभी जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि सही में कहाँ पे है भी है या नहीं है। सर एक तरफ जिस तरह से कई कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां जो है उनका जिस तरह से बात करें, एनसी के सीनियर लीडर अकबर लोन का एक बयान सामने आता है कि अगर पाकिस्तान को कोई एक गाली देगा तो उससे पलटकर 10 गाली दी जाएगी। तो जिस तरह से असेंबली में भी पाकिस्तान के नारे लगाए गए, तो इस तरह के ऐसे विवादित बयान सामने आना इलेक्शंस के समय, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल निंदनीय बयान है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और हम ऐसी बयानों की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं, और हम जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि इस देश को बनाने में इस देश की आर्मी का और इस देश के देशभक्त लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इनकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन भी ज़रूर होना चाहिए। सर आखिर में सभी जिस तरह से युवा का जो है एक बहुत ही अहम रोल होता है, और युवाओं के लिए आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इलेक्शंस का जो अभी एक समय चल रहा है, क्या आपका क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, युवाओं से और जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि आप जिस दिन वोट डालने जाएँ तो आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ एक काम करिए, नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस को सुनिए आज से 4 साल पहले, और सुनिए कि उन्होंने क्या क्या बोला था, और फिर लास्ट में टिक करें कि उनमें से कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए। मुझे लगता है कि उनको टिक करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। सबसे पहला क्या, रोज़गार 2.5 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, क्या वो हुआ? दूसरा, तेल की कीमतें कम करने का वादा किया था, क्या वो हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो यहाँ पे एक ही दिन में यहाँ पे महल बना देंगे, इस देश को ये कर देंगे, क्या ऐसा कुछ कहीं पे हुआ? ऐसा कहीं पे भी कुछ मुझे लगता है नहीं हुआ। इससे पहले उन्होंने सांबा में या कठुआ में रैली में बोला था कि इस प्रदेश को बाप बेटे ने और बाप बेटी ने लूटा। तो ये सब उनकी वीडियोस सुने, उनके भाषण सुने, और बताएं कि क्या उन्होंने कहीं पे काम किया? उन्होंने काम कहीं पे नहीं किया। हमें इन्हीं मुद्दों को लेकर आने वाले टाइम पे जो है वो वोट डालेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इन मुद्दों पे भाजपा जो सरकार है वो पूरी विफल हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में आप देखेंगे सत्ता में आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी, जिनसे हमने इलेक्शंस के ऊपर बात करी। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कल नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, जो है अब आगे जो है अब देखना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और किस तरह से स्पेशली युवाओं को जो है उनके रोजगार की जो सबसे बड़ी जो दिक्कत जो युवा वर्ग जो भुगत रहा है इस वक्त, जो जूझ रहा है बेरोजगारी से,